आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ सिर्फ बिग एफएम पर। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जो जयंती मंगला और काली भद्रकाली कपालिनी भी हैं, जो ऐसा रूप भी धारण कर सकती हैं जिससे हजारों हजारों राक्षसों का वध हो, मतलब बुराइयों का अंत हो, जो माँ माँ बनकर आपको गोदी में भी खिला सकती हैं, ऐसी उस शक्ति माँ का नवरात्र में नौवां दिन आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, ढेर सारी बधाइयाँ शारदीय नवरात्र के नौवें दिन की। आज 29/9/2017 शुक्रवार है। आज चंद्रमा धनु राशि में रात्रि 9:56 तक, उसके बाद मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, दोपहर 3:40 तक, और उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुरू होगा। कई लोग कंज का पूजन करेंगे, माँ का पारणा करेंगे। वैसे माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ आपके घर आपके शरीर में हमेशा हमेशा परिवार के साथ रहे। आज के मुहूर्त 8:01 से लेकर 9:30 तक है लाभ, 9:30 से लेकर 10:59 तक है अमृत, 12:29 से लेकर 1:58 तक है शुभ। मैयर वाली माँ शारदा तेरी सदा ही जय। जो माँ बुद्धि रूपिणी होकर सर्व प्राणी में रहती है उसको मेरा नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। ये जो माता है उनके लिए ये मंत्र कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। मैयर में जो माँ शारदा है उनको प्रणाम करते हुए सहर कार्यक्रम में मैं कामिनी खन्ना आप सभी का ढेर सारा बधाइयाँ वाला स्वागत करती हूँ। बधाइयाँ जी बधाइयाँ, नवरात्र के नौवें दिन की बधाइयाँ। हमने जाना कि मैयर वाली माँ शारदा देवी सतना जिले में स्थित है। ये मैयर वाली शारदा माँ का मंदिर जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, प्राचीन मंदिर है। परंपरा से ये बताया जाता है कि आल्हा और उदल नाम के दो योद्धा थे, वो माँ के भक्त थे, जो पृथ्वीराज चौहान के साथ जिन्होंने युद्ध किया था इस जगह के साथ वो जुड़े हुए थे। कहा जाता है कि आल्हा और उदल जो हैं वो अमर भी हैं। आती हूँ थोड़ी देर में बताने के लिए आपको मैयर वाली शारदा माई की कथा, तब तक आप सुन सकते हैं मुझसे मेष से लेके कन्या राशि तक का राशि भविष्य। मेष राशि, भाग्य में चंद्रमा, जिस वजह से आज घरेलू स्थिति बेहतर, अपनी तबीयत ठीक करने के लिए हनुमान जी का पाठ कीजिए और बुध के उच्च होने की वजह से आपको मिलेगा लोन। वृषभ राशि के लिए आपका माइंड चलेगा तेज, सभी डिसीजन सही, और चंद्रमा की मूवमेंट से थोड़ा सा मन उदास, जिसको ठीक करने के लिए आप लक्ष्मी पूजा कर सकते हैं। मिथुन राशि के लिए अब चंद्रमा सन्मुख आकर आपको थोड़ा बेचैन करते हैं, और इस बेचैनी से बचने के लिए आप कर सकते हैं भगवती महालक्ष्मी की आराधना, और पति पत्नी में आपके सामंजस्य बना रहे ऐसी कुछ स्थिति आप खुद पैदा कीजिए। कर्क राशि के लिए चंद्रमा षष्ठ में आकर आपको लोन से रिलेटेड, बैंकों में जो पैसे अटके होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ परेशानी देते हैं, पेट से रिलेटेड परेशानी देते हैं, विरोधियों से रिलेटेड परेशानी देते हैं। ऐसे में पानी ज्यादा पीजिए, शिव जी की आराधना कीजिए। सिंह राशि, आपके लिए माइंड पे बैठकर चंद्रमा पंचम में आकर आपको अच्छी खबर देते हैं, आपके बच्चों के पढ़ाई के विषय में या आपकी विद्या पढ़ाई के विषय में आप सही सोच पाते हैं, आप कूल रहते हैं और आपको पैसा भी मिलता है। कन्या राशि के लिए लग्न में बुध आपके लिए अच्छे संदेश लाता है, पर्सनालिटी उजागर करता है, और चंद्रमा की वजह से आप अपनी माता से उलझिए नहीं, ये मेरी सलाह है। पैसे आने के योग उन्हीं की वजह से बनेंगे, और माँ का नौवां दिन जो कि अंतिम दिन है नवरात्रि का, उस दिन आप कर सकते हैं कंजक पूजन, और मुझसे सुन सकते हैं आप मैयर वाली माँ शारदा की बची हुई कथा।
ऐसा है कि हमने जाना कि मैयर वाली माँ शारदा जो हैं, वो सतना जिले में स्थित हैं पहाड़ी पर, और इनकी कथा के अंतर्गत आता है कि आल्हा और उदल इनके भक्त थे, और आल्हा और उदल इनकी पूजा पाठ कर करके अमरत्व उनको प्रदान हो गया। लोग आज तक कहते हैं कि वो अभी भी दिखते हैं लोगों को। शक्ति माई का ये एक सिद्ध पीठ है, यहाँ पर शक्ति माई का अंग गिरा था, और माँ शारदा सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। जो लोग बुद्धि से कमज़ोर होते हैं वो लोग या माई की तरह तरह के जो मन्नतें मांगने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये थी माँ शारदा की कथा। यहाँ पर कहा जाता है कि एक बकरा माँ के दर्शन के लिए आज तक ऊपर चल के आता है, आरती में खड़ा रहता है, माँ की आराधना करता है, और मैं भी शारदा माँ होके आई हूँ, बड़ा ही आनंद आता है। आइए सुनते हैं तुला से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। तुला राशि। तुला राशि के लिए थोड़ी बेचैनी। आपके लग्न में गुरु, आप कर सकते हैं महालक्ष्मी की पूजा। आज यात्रा का दिन और छोटे भाई बहनों से सपोर्ट पाने का दिन। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए परिवार में पैसा, परिवार में खुशी और साथ ही में भाग्योदयकारी दिन। धनु राशि। धनु राशि के लिए आज खुशी, आपके स्वभाव में चंचलता, इसी वजह से अगर आप अपनी माँ को न परेशान करें क्योंकि वो आपकी सपोर्टर है। मकर राशि। आज आपके प्रेम संबंधों में सुधार, आज अच्छी खबर आएगी आपको, और साथ में विदेश रिलेटेड यात्राएं बनेंगी आपकी। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए आज लाभ होगा, पैसा आएगा, माइंड कूल रहेगा, लेकिन हो सकता है कुछ बेचैनी भी रहे माइंड में आपकी। मीन राशि। मीन राशि के लिए अब आपका कोई काम बैंकों से रिलेटेड बनेगा, और साथ ही में आपके व्यवसाय से रिलेटेड उन्नति भी हो सकती है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। आज का दिन आपको अत्यंत उत्तम जाए। वैसे मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि के नौ दिनों में कंजक पूजा भी की जाती है। पहले दिन से लेके नौ दिनों तक माता के अलग अलग प्रकार के रूप होते हैं, लेकिन ये जो अलग अलग प्रकार के रूप होते हैं इनमें से आपको ये ही ध्यान रखना होता है कि माँ आदिशक्ति की आराधना अगर आप करते रहें तो जो शक्ति स्वरूपा माँ है वो आपके शरीर में बनकर आपको किसी प्रकार की तकलीफ से जूझने नहीं देती। हम जो भी खेतरे, ज्वारे और घट वगैरह अपने घर में, कुंभ वगैरह रखते हैं, ये सब जो होता है ये द्योतक होता है माता की पूजा अर्चना करने के लिए। ये थी माँ की महत्ता। फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर। कल दशहरे का हम बड़ा ही मज़ेदार शो करने वाले हैं और आपको चौपाइयाँ ही चौपाइयाँ सुनाने वाले हैं, उनके अर्थ भी बताऊंगी मैं, मज़ा आएगा आपको, मिस न कीजिएगा। अभी तो फिलहाल माँ काली का चालीसा सुनिए, एकदम शक्तिमय हो जाइए। माता रानी आपको शक्ति दे, बुद्धि दे, धन, ऐश्वर्य, आरोग्य, संपदा, सुख सब दे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।